أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكيم محمد الطاف مستند گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور ناظرین آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے سردیوں میں بعض لوگوں کو پیر کی انگلیاں پھولنے کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے کیونکہ جب سردی بہت زیادہ سخت ہوتی ہے तो उस वक़्त गर्मी और खुश्की की वजह से जो है ना बाद लोगों के ऐसे होता है कि उनकी जो पाँव की उंगलियां होती हैं वो फूलना शुरू हो जाती हैं और लामहाला उस वक़्त इंसान जो है ना उसे तकलीफ़ होती है। ये इस चीज़ को ठीक करने के लिए आज मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताना चाहता हूँ जिसका रिज़ल्ट 100% ठीक है और इंशाल्लाह चंद घंटों के अंदर अंदर आपकी उंगलियों का ये जो मसला होता है वो ठीक हो जाता है। इसमें जिस शख्स को ये कैफियत हो तो उसको ये टोटका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि सर्दियों में ये जो उंगलियां फूल जाती हैं क्योंकि वहाँ जब फूलती हैं तो वो सुर्ख भी होती हैं, उनका जो कलर हो जाता है वो सुर्ख भी हो जाता है। उसमें आपने ऐसे करना है, आपने 2 से 3 किलो पानी को लेना है, उसमें आपने 1 पाव नीम के पत्ते लेकर उस पानी में डाल देने हैं और उस पानी को आपने आग के ऊपर रख देना है। जब आपका अगर फ़र्ज करो आपने 3 किलो पानी लिया है, जब आपका 1.5 किलो पानी बाकी बच जाएगा, नीम के पत्ते उस पानी में ही होंगे, वो उबलते रहेंगे, नीम के पत्तों का जो मुकम्मल रस होता है वो पानी के अंदर चला जाएगा। तो इस पानी में आपने तकरीबन 4 चम्मच नमक के भी डाल देने हैं। ये जब आपका तकरीबन ये 1.5 किलो पानी बच जाएगा तो आपने इस पानी को चूल्हे से उतार लेना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा। जब ये ठंडा हो जाए, इतना हो जाए कि आपका जिस्म इसको बर्दाश्त कर सके, जब ये नीम गर्म हो जाए तो इस पानी को आपने किसी खुले बर्तन में डालकर उसमें आपने अपने पाँव की उंगलियों को तकरीबन 10 मिनट तक आपने रखना है। 10 मिनट तक आपकी पाँव की उंगलियां इस नीम गर्म पानी में रहेंगी। उसके बाद आपने 10 मिनट के बाद पाँव को वहां से निकालकर आपने रज़ाई लेके रज़ाई के अंदर आपने अपने पाँव को दबा देना है। आधा घंटा तक आपने अपने पाँव को रज़ाई के अंदर रखना है। आधे घंटे बाद आपने अपने पाँव को फिर रज़ाई से निकालने के बाद उसके बाद आपका जो भी आपका मशगला है आप वो करेंगे। ये काम आपने सिर्फ इतना करना है कि 10 मिनट आपने अपने पाँव को पानी के अंदर रखना है, उसके बाद आपने आधा घंटा अपने पाँव को रज़ाई के अंदर रखना है, इसके बाद आपने पानी से रज़ाई के से पाँव को निकालने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना। आपका जो भी रूटीन है आप अपने रूटीन के साथ काम करेंगे। ये आप रोज़ाना 3 से 4 दिन 5 दिन कर लें, आपकी ये जो उंगलियों का मसला है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जो सर्दी की वजह से फूलना शुरू हो गई थी, जो फूल जाती हैं वो अपनी जगह पे अपने लेवल पे आ जाएंगी और उनके अंदर जो सुर्खी होती है वो भी ठीक हो जाएगी। ये एक छोटा सा टोटका है और इसका बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट है। आपको अगर आप ये करेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। जिन लोगों की पाँव की उंगलियां फूलती हैं उनको ये टोटका इस्तेमाल करना चाहिए, इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। अल्लाह पाक आपको शफा भी देगा। अल्लाह हाफिज़।